यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस बेटा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट सर्कल्स। ओके, चैप्टर नंबर 4 का जो हम आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें अब इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ये पॉइंट क्लियर किए थे। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, सर्कल्स। सर्कल मीन्स क्या होता है? एनी यूनिवर्सल राउंड शेप, एनी यूनिवर्सल राउंड 2D शेप इज कॉल्ड सर्कल्स। बेटा कोई भी ऐसा यूनिवर्सल राउंड शेप हो, 2D शेप हो, तो उसे हम बोलते हैं सर्कल। ये आपका सर्कल, एग्जांपल आप सर्कल हो गया। व्हाई? बिकॉज ये यूनिवर्सल राउंड है, यानी ऐसा नहीं कि कहीं पे घट गया कहीं पे बढ़ गया, ऐसा नहीं, एक जैसा राउंड है, एक जैसे गोलाकृति में है और 2D शेप है। 2D मींस ये 2 प्लेन्स में लाई कर रहा है, सॉरी, यानी 2 डायमेंशन, एक ही प्लेन में लाई कर रहा, नॉट 2 प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है और 2D है, 2 डायमेंशनल है, यानी इसके पास अपनी लेंथ और अपनी विड्थ है, ठीक है, इसी प्लेन में लाई कर रहा। जो 3D शेप होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 प्लेन्स की नीड होती है। कितने प्लेन्स की? एक ही प्लेन हो गया, लेट से कोई बॉल होता तो बॉल को रखने के लिए एक ही प्लेन हो गया, है ना, और इसके बाद का एक और प्लेन चाहिए होता है टू सेटल द अर्थ और टू डिफाइन। ओके, इसमें हाइट भी होती है। यस बेटा, निहार का वर्क सचिन चौहान, रुचि पांडे, आकांक्षा पांडे, अस्मित यदुवंशी, मतलब निहार का वर्क वीडियो ऑफ है, प्लीज ऑन कीजिए सारे लोग वीडियो। और एक चीज, माइक्स ऑफ रखिए, जब नीड्स हो तभी ऑन कीजिए। ओके, कोई अननेसेसरी जो वॉइस आती है वो डिस्टर्ब करती है। तो हम बात कर रहे थे सर्कल की। सर्कल्स क्या होते हैं? सर, एनी यूनिवर्सल राउंड शेप इज कॉल्ड सर्कल व्हिच इज इन 2D, यानी जो आपका 2D शेप होता है, यानी 2 डायमेंशनल हो और राउंड यूनिवर्सल राउंड शेप होता है, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर हो गई। सर इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सर। एक्वाइन एग्जांपल की बात करें तो शेप ऑफ एक्वाइन कैसा होता है? शेप ऑफ एक्वाइन सर्कल, सर्कल सिंबल ऑफ ओलंपिक होता है बेटा। ओलंपिक गेम का जो सिंबल होता है ऐसे सर्कल, ये रिंग्स फॉर्म में होते हैं ना, ऐसे रिंग्स फॉर्म होते हैं और ये रिंग जो शेप किस शेप के होते हैं? सर्कल शेप के होते हैं। ये जो रिंग्स फॉर्म होते हैं ये किस शेप के होते हैं? सर्कल के होते हैं शेप। ओके, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात कर लें। सर्कल्स को हम डिफाइन तो करें, हमने सर्कल का शेप तो डिफाइन कर लिया, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो सर्कल होता है सर, इसका ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है व्हेन अ पॉइंट राउंड्स इन अ प्लेन इन दैट मैनर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट ऑलवेज। यानी अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में इस तरह मूव कर रही है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या हो, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस हो, तो उस शेप को सर्कल बोलते हैं। उस शेप को क्या बोलते हैं? सर्कल। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट पॉइंट ए था, ये इस तरह से इसमें राउंड अप रोटेट कर रहा है कि इस फिक्स पॉइंट ओ से ऑलवेज इक्विडिस्टेंस है। ऑलवेज क्या होता है? इक्विडिस्टेंस है। लेट से ए यहाँ पे था, ठीक है सर, ये ए रोटेट करके यहाँ पहुंच गया। अभी जितनी डिस्टेंस में यहाँ से मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस आर था, तो अभी भी आर ही डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सर कितने डिस्टेंस है? आर ही डिस्टेंस, यानी जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे में जो ये शेप फॉर्म होता है, जब ये राउंड अपना वन कंप्लीट रोटेशन करेगा तो जो शेप फॉर्म होगा इस कंप्लीट आफ्टर कंप्लीट रोटेशन, इसी को हम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। अब इसके पार्ट्स की बात करूं सर, जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये सर्कुलेट हो रहा था, यानी जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये घूम रहा था,
उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? दिस फिक्स पॉइंट के सेंटर ऑफ द सर्कल, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन इज जो इक्विडिस्टेंस वो मेंटेन करके रखता है, यानी जो बराबर दूरी हमेशा बनाए रखता है, इक्विडिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल। बस समझ में आ गई? सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और चीजें डिफाइन करना है तो चलिए इसमें और चीजें हम डिफाइन कर देते हैं। सर्कल्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो वन बाय वन करके मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सेंटर हो गया जिसे हम सी भी बोलते हैं, कहीं कहीं जनरली ओ भी बोला जाता है, तो इसे सी से भी डिफाइन करते हैं, ओ से डिफाइन करते हैं। तो आप ओ भी राइट कर सकते हो, ओ ही कर लीजिए। ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया सर। रेडियस ओ ए, ओ ए क्या हो गया? एनी लाइन सेगमेंट व्हिच इज टर्न ऑन और ओरिजिनेट फ्रॉम सेंटर एंड टचेस एनी पॉइंट टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। बेटा एनी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर निकल कर आती है और सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर जाए, उसे हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक है, कई सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये तो आपने सेंटर और रेडियस क्लियर किया। अब बात आती है नेक्स्ट वन इज कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होता है सर? कॉर्ड होता है बेटा अ लाइन सेगमेंट who joins any two point of the circle. A line segment who joins any two point of the circle. Circle के किन्हीं भी दो point को जोड़ने वाली, circle पे situated किन्हीं भी दो point को जोड़ने वाली जो line segment होती है, इसे हम chord बोलते हैं। A B is here chord. इसे क्या बोलते हैं? इसको chord. बात समझ आ गई? Yes sir. Meter. अब ये कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या एक ही कॉर्ड हो सकता है? नहीं, इसमें नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं, कई सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही कॉर्ड होगा। सर ये क्या है? दिस वन इज आल्सो कॉर्ड। ये भी क्या है? कॉर्ड ही है। बिकॉज कॉर्ड का डिफिनेशन सिंपल सा होता है, एनी लाइन सेगमेंट हु जॉइंस टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ देती है, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब बात आती सर स्पेशल कॉर्ड की, बात कर लीजिए कौन से स्पेशल कॉर्ड? द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर। चलिए हम बात करते हैं उस कॉर्ड की जो सेंटर से पास करता हो। सर ऐसे कॉर्ड को क्या बोलते हैं? एनी कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। एम एन इज डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। अब बात आती है सर ये डायमीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसे क्या रिलेशन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, यानी इसके रेडियस के साथ क्या रिलेशन होते हैं, ये भी चलिए क्लियर कर दिया। अगर हम एक चीज देखें तो देखिए जो डायमीटर है इसमें आपका सर ये ओ एन, ये क्या है? रेडियस ही सर, यानी ये आर के इक्वल है। ये सर ओ एम क्या है? इट इज आल्सो बी रेडियस, यानी ये भी रेडियस ही है। तो कहने का मतलब जो डायमीटर होता है, डायमीटर को इन शॉर्ट डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं आर प्लस आर, यानी डी की जो वैल्यू है और जो रेडियस है उसको इन शॉर्ट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कैपिटल आर भी कहीं कहीं राइट कर देते हैं। तो डी इज इक्वल टू टू आर। अब बेटा ये डी इज इक्वल टू टू आर क्या डिफाइन करता है? इट मींस डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये यही बता रहा है। क्या बता रहा है? डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। ट्वाइस होता है। या रेडियस की बात कर लें, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। अगर जस्ट इनवर्स की बात करें तो इस ऐसा राइट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को, रेडियस इज द हाफ ऑफ
द डायमीटर यानी जो रेडियस होता है सर वो डायमीटर का हाफ होता है, ये भी सही है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई सर्कल yes, मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, रेडियस, ये सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। अब चलिए देखते हैं इसके फर्दर पॉइंट्स क्या हैं जो ये बताना चाह रहे हूँ। इन्होंने भी यही क्लियर किया बेटा, OA, OB और OC रेडियस जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि रेडियस है तो भाई इक्वल इन लेंथ ही होगा। जितने भी रेडियस होते हैं क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं ना सारे पॉइंट, यही तो सर्कल फॉर्म होता है। जब इक्विडिस्टेंस होंगे तभी तो सर्कल होगा सर, नहीं तो सर्कल कहाँ होगा। ये मान लीजिए आर है, ये टू आर हो तो क्या सर्कल होगा, अगर ऐसे कोई फिगर दे दिया जाए, ऐसे बोल दिया गया सर यहाँ से इसकी लेंथ आर है, यहाँ से इसकी लेंथ टू, सॉरी यहाँ से इसकी लेंथ टू आर है, तो क्या ये सर्कल होगा? नो सर, ऐसे में ये सर्कल नहीं फॉर्म हो पाएगा सर, इसकी लेंथ ऑफ रेडियस डिफरेंट है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ द सर्कल ही नहीं है और ये सर, जो शेप है ये सर्कल ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है शेप, इट इज यस सर, इट इज नॉट अ सर्कल, ओके। अब बात करते हैं, चलिए इन्होंने भी डिफाइन किया, सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व, इट हैज मेनी इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टीज व्हिच मेक इट वेरी स्पेशल शेप, द फिगर 21 एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सर्कल। चलो हमने भी क्लियर कर दिया है सारे पॉइंट। हाँ अभी भी सारे, अभी भी हमने जितने पॉइंट्स क्लियर किए हैं उससे भी फर्दर पॉइंट्स को भी रह गए हैं जो उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। बात आती है सर्कमफ्रेंस, नेक्स्ट वन इज सर्कमफ्रेंस, कहाँ पे सेंटर सर, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ हो गया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल is called circumference of that circle, means total length, yani kisi circle ki total length ki baat ki jaye uske boundary ki total length ki baat kar lo to wo iska circumference ho jata hai, ye yahan se aise start kiya aise 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 pura length ek bar mein jo complete rotation mein jitna wo length cover karta hai that is equal to circumference of the circle, यानी ये जितना कंप्लीट रोटेशन में जितनी लेंथ वो कवर करता है उसी को सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू बाय द एक्सपेरिमेंट 2 पाई आर, ये किसके इक्वल होता है सर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के इक्वल होता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है, ठीक है, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट टर्म्स एंड डिनोट्स 22/7, ओके, जहां पे पाई क्या है कांस्टेंट टर्म है और कितना दर्शाता है ये 22/7 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब बात करते हैं सर माइनर और बासंग में आ गई, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अब बात आती है सर माइनर आर्क मेजर आर्क, बेटा माइनर और मेजर क्या होता है, इसी लेंथ को पार्टीशन लेंथ में कर दिया जाता है तो उसे माइनर और मेजर आर्क बोला जाता है। चलो हम बताते हैं, पार्टीशन की बात कर लो तो यहाँ से लेट्स से ये ए है और चले जाओ इस पॉइंट कोई बी है यहाँ पे, ठीक है सर, बाकी लेंथ की बात करेंगे, ये टोटल सर ये बाकी लेंथ ये है बी टू ए, ये लेंथ हो गया। अब माइनर और मेजर की बात कर लें तो माइनर क्या है, इसमें जो शॉर्ट लेंथ होगी उसे माइनर आर्क बोलते हैं और जो मेजर लेंथ होगी उसे मेजर आर्क बोला जाता है। इसमें ए बी बहुत छोटी सी लेंथ है इन कंपैरिजन ऑफ बी ए, तो बी कैन से ए बी इज अ माइनर आर्क,
ए बी इज अ माइनर आर्क, ये आर्क को रिप्रेजेंट करने का वे होता है, सिंबल होता है माइनर आर्क। बात समझ में आ गई? ए बी है, इसी बाउंड्री की लेंथ को सर्कमफेरेंस को इंसर्ट किया जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो एक छोटा पार्ट हो जाता है माइनर आर्क और बड़े पार्ट को मेजर आर्क। अब बात करने सर इसमें मेजर क्या होगा, तो बी ए जो बड़ा वाला पोर्शन है बी ए इज अ मेजर आर्क, इज अ मेजर आर्क। बात समझ में आ गई? माइनर और मेजर आर्क क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, सेक्टर और सेगमेंट। चलो माइनर मेजर सेगमेंट सेक्टर ये सब। इन्होंने सेक्टर को डिफाइन किया, चलिए मैं भी बता देता हूं। माइनर और मेजर आर्क हमने क्लियर ही कर दिया आपका। सेक्टर क्या होता है, इज अ रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द रेडियाई मीट द सर्कल। देखिए बेटा जी, इसमें इन्होंने बताया जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है सर वो रीजन जो किसी सर्कल के टू रेडियाई मीन्स टू रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, टू रेडियस मिलकर इनक्लोज, टू रेडियस एंड माइनर एंड करस्पॉन्डिंग आर्क्स, मेरी बात समझिए, टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क्स मिलकर जो रीजन इनक्लोज करते हैं, जो एरिया कवर करते हैं, उसी रीजन को हम बोलते हैं सेक्टर। अब ये डिपेंड करता है सर सेक्टर कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। सर इसकी बात कर लें तो ये जो सेक्टर है ये वाला पोर्शन है, माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर होगा। क्यों माइनर सेक्टर है अभी बताता हूँ, बिकॉज इसने कम एरिया कवर किया है कम इन कंपेरिजन ऑफ दैट, यानी जो लेफ्ट हुआ है उसकी कंपेरिजन में इसने कम एरिया कवर किया है, कम रीजन इनक्लोज किया, तो इसे माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। अब बताइए सर इसमें माइनर सेक्टर, मेजर की बात करें तो कहाँ मेजर होगा, तो मेजर भी क्लियर करते हैं सर, वो ऊपर मेजर आपका, चलिए मेजर करते हैं, मेजर सेक्टर कौन सा है सर, दिस रीजन इज नोन एज मेजर सेक्टर, दिस रीजन इज नोन एज मेजर सेक्टर, जो इसका लेफ्ट हो रहा है इस रीजन को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर हो रहा है। ओके, इसके बाद जो भी लेफ्ट हो रहा है यानी माइनर आर्क को छोड़ दो और बाकी जितने रीजन लेफ्ट हो रहे हैं इसमें सर, ये मेजर आर्क हो गया, सॉरी मेजर सेक्टर नॉट आर्क, ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है ये क्या है, मेजर सेक्टर। बात समझ आ रही है, मेजर yes. अभी आपने क्लियर क्या किया, आपने क्लियर किया सेक्टर, उसमें सेक्टर्स में डिफाइन किया किस टाइप के सेक्टर्स होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, द एरिया इंक्लोजेस बाय टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क्स, यानी कि दो रेडियस और उस करस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा जो इंक्लोज एरिया होता है उसे सेक्टर बोलते हैं। वो डिपेंड करता है, छोटा एरिया शॉर्ट एरिया होगा तो माइनर आर्क और लार्ज एरिया कवर किया होगा तो मेजर आर्क। ओके, आर्क नहीं सॉरी सेक्टर, आर्क की बात नहीं कर रहे, सेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके यस सर, तो ये भी क्लियर हो गया। हमने क्या किया, क्लियर किया आपका, देखिए फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ द सर्कल क्लियर किया, वो फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड सर्कल में सारे पॉइंट उससे इक्विडिस्टेंस होते हैं उसी फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, जिसके अराउंड जो सर्कल पे सिचुएटेड ऑल द पॉइंट्स होते हैं उससे इक्विडिस्टेंस होते हैं उसी इक्विडिस्टेंस पॉइंट को यानी फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक है, बात आती रेडियस सर, सर इक्विडिस्टेंस जो दूरी सेंटर ऑफ द सर्कल और किसी पॉइंट के बीच की होती है उसे रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रही है, रेडियस ऑफ द सर्कल।
डायमीटर मैंने डिफाइन किया सर, सॉरी उसके देन आफ्टर मैंने कॉर्ड बताया। कॉर्ड क्या होता है सर? कॉर्ड होता है सर एनी लाइन सेगमेंट हु ज्वाइंस टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी टू पॉइंट्स को एड ज्वाइन करता हो सर्कल के, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रही है? लेट्स से इसी में बात कर लें, तो इसमें कॉर्ड ये हो जाएगा, ये पी क्यू है जाए कॉर्ड आपका। चलो और कुछ है सर? हाँ, कॉर्ड के मैंने आफ्टर कॉर्ड आफ्टर डिफाइन किया आपका डायमीटर। क्या डायमीटर? डायमीटर मैंने कहा था बेटा द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर, बेटा ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उसे डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेट्स से यहाँ पे ये M और N पॉइंट जो है ये डायमीटर ऑफ द सर्कल होते हैं। बात क्लियर? इट इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, और आप ये भी जानते हो जो ये डायमीटर होता है ये रेडियस का ट्वाइस होता है। हमने इसको क्लियर करके दिखाया भी कैसे होता है ना सर। And radius is the half of diameter. आप ऐसा भी कर सकते हैं जो radius होता है half of diameter होता है। Then after मैंने point discuss किया circumference. Circumference क्या होता है? Sir, the total length of its boundary. यानी circle का जो total circle की boundary की जो total length होती है इसे बोलते हैं circumference. क्या बोलते हैं? Circumference. That is equal to 2 pi r. जो किसके equal होता है? 2 pi r के. ओके अब हम बात करेंगे, देखिए ये क्लियर हो गया, सर्कमफेरेंस क्लियर हुआ। बात करेंगे सेक्टर की, तो सेक्टर के मैंने पहले ही क्लियर कराया कि द रीजन इनक्लोजेस बाय टू रेडियस एंड एनी करस्पोंडिंग आर्क, यानी जो रेडियस रेडियस के करस्पोंडिंग आर्क हैं उसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं सेक्टर्स, और सेक्टर छोटा होगा तो माइनर सेक्टर, बड़ा होगा तो मेजर सेक्टर। बात समझ में आ गई? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अभी क्या छूट रहा है? कोई पॉइंट छूट रहा है? हाँ बेटा जी, एक और पॉइंट है सेगमेंट। चलिए सेगमेंट क्लियर कर दे रहे हैं। ये पॉइंट सेगमेंट तो बहुत ही इजी होता है सर, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से सर सेगमेंट इसमें क्या होता है? सेगमेंट को अगर डिफाइन करना चाह रहे हो तो बेटा आप कॉर्ड के थ्रू कर देते हैं। सर जब भी हम किसी कॉर्ड की बात कर लें तो कॉर्ड, लेट्स से कोई कॉर्ड पी क्यू है, कोई कॉर्ड क्या है पी क्यू, तो ये कॉर्ड है बेटा ये क्या करता है सर्कल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सही है कि नहीं? इस सर्कल का जो रीजन है, सर्कल का जो होल रीजन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो छोटा पार्ट होता है शॉर्ट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, तो दोनों ही है लेकिन इसे हम छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा दिमाग में चीजें क्या, मेजर सेक्टर। मैंने सेक्टर और सेगमेंट डिफरेंस होता है, सेगमेंट क्या होता है जो रेडियस और आर्क मिलकर जो एरिया इनक्लोज करते हैं उसे सेक्टर बोलते हैं, और सेगमेंट क्या होता है जो रीजन इनक्लोज होता है बाय द आर्क एंड एनी कॉर्ड, यानी किसी कॉर्ड और उसके आर्क के द्वारा जो एरिया इनक्लोज होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके तो यहां से देखें ये माइनर आर्क माइनर सेगमेंट हो गया सर, ये इतना लार्ज रीजन जो लेफ्ट हुआ इसे क्या बोलेंगे? तो इसके बाद का जो होगा वो बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे इसको मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ गई? मेजर सेगमेंट, ये माइनर था ये मेजर था। क्लियर? यस सर। आई होप जितने भी प्रॉपर्टीज थे सर्कल्स के वो मैंने क्लियर करा दिए, आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। एनी डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी क्वेश्चंस को किसी भी पॉइंट को लेकर? नो नो सर। तो सारे जितने भी पॉइंट थे इससे रिलेटेड
आई होप मैंने 1 to 11 इन्होंने यहाँ पे नंबरिंग किया है, सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इन्होंने नंबरिंग करके क्लियर कराया, मैंने जितने भी पॉइंट थे इनके अकॉर्डिंग और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टी मैंने क्लियर करा दी है सर्कल से रिलेटेड। अब बात आती है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की, चलिए उसको देखते हैं। ओके यस सर। बेटा इंटीरियर एक्सटीरियर तो बहुत ही तरीके से आप लोग डिफाइन कर लेते हो क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं, जो अंदर है वो इंटीरियर, जो बाहर है वो एक्सटीरियर, और जो ऑन द सर्कल है उसे ऑन द सर्कल बोलेंगे, सिचुएटेड ऑन द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल्स में होंगे वो ऑन द सर्कल हो जाएगा, जो बाहर होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स, जो अंदर होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड फिल इन द एडजेसेंट टेबल हियर। ओके, इसके साथ इन्होंने देखे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने जो आस्क किया है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स। तो इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है वो आप राइट करेंगे वहां पे, क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट जो इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, डी ओ डी पी, ये सारे पॉइंट सब इंटीरियर में है, ये अंदर है सब, तो इंटीरियर में राइट करेंगे ओ, और अंदर सर्कल है ई, और एक्सटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर है एम ए बी एंड एक्स, एम ए बी कॉमा एंड ओ पी डी एंड एक्स। बात समझ आ गई, एक्सटीरियर की बात करें तो यस सर, एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं जो बाहर हैं पूरी तरीके से सर्कल के, वो आपका पॉइंट एम बी एंड बी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे राइट करेंगे एम ए एंड बी। ओके, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स हैं दैट लाइज ऑन एक्सटीरियर ओके ऑफ द सर्कल। Yes, इन्होंने कहा सर ऑन द सर्कल, तो ऑन द सर्कल क्या, जो सर्कल पे होंगे वो ऑन द सर्कल हैं, तो आर आप देख पा रहे हो क्यू आर एन एंड क्यू क्यू आर एन क्यू और क्यू आर एन बातें की है। तो चलिए इस तरह से आपने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। ओके यस सर। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट हमने सर्कल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज क्लियर किए जितने भी पॉइंट थे उसके उसी के पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा सर फिल इन द ब्लैंक्स है पॉइंट नंबर एक्सरसाइज 4.5 की बात कर रहे हैं जिसमें पॉइंट क्वेश्चन में जो K1 गिवन है इसका स्टेटमेंट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पॉइंट की बात कर लें, अ डायमीटर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द, बेटा आपको बताया गया है जो डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है वो कहां से पास करता है, सर अ डायमीटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। यस बेटा, सारे लोग क्लियर कराया गया तो सारे लोग ही बोला कीजिए साथ, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल वो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अ सर्कल सॉरी ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इन मेजरमेंट, इक्वल इन मेजरमेंट। यस बेटा, जितने भी रेडियाई होते हैं एक सर्कल के वो इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, तभी तो सर्कल हो रहा है सर। तो आर इक्वल इन मेजरमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इन्होंने कहा अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, चलिए बताइए आप लोगों ने इसको सीखा है लेकिन मैंने बताया पार्ट की, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर सर आर क्लियर कराया बट मैं ए आर सी कराया हूं, अरे आर सी, अरे आर सी, ए आर सी, ए आर सी,
एआरसी आर्क होता है उसे, एआरसी क्या रीडिंग बेबी ने क्लियर करवा रहा हूँ, आर्क बोलते हैं अपार्ट ऑफ द सेल। मैं अभी बोल रहा हूँ आर्क, आर्क समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? आर्क यस सर। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, यानी किसी सर्कमफेरेंस, सॉरी, जो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो पार्ट होता है उसी को आर्क बोला जाता है। हमने बताया नहीं था आपको? ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क रेडियाई, अब पॉइंट पे ध्यान दीजिए प्लीज। रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी वो रीजन जो किसी टू रेडियाई और किसी आर्क के द्वारा रीजन इनक्लोज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर सेक्टर माइंड को शार्प कर लीजिए, सारे क्लियर कराए हैं, तुरंत आंसर दीजिए। सेक्टर क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर सेक्टर। चलिए पॉइंट नंबर K2 की बात करते हैं। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। बेटा रेडियस पता हो तो डायमीटर नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते सेक्टर तो निकाल सकते हैं। You know that D is equal to 2R. You know that D is equal to 2R. Where D is the diameter of the circle and R is the radius of the circle. Okay? Yes. अब हम 9.0. 9. इसमें radius. 9. Radius की मैंने 4.5 cm. तो diameter कितना हो जाएगा? 2 multiplied by 4.5 is equal to 9 cm. कितना आ जाएगा? 9 cm. ये आपका डायमीटर ऑफ दैट सर्कल व्हिच रेडियस इज 4.5 cm। ओके 9 मीटर। हाँ मीटर में यूनिट मीटर में होगा, कर लो सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर कर लो। कहने का मतलब ये है मेरा, आप जिस भी यूनिट में सॉल्व कर रहे हो सेम यूनिट में भी पुट करना है, ठीक है? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द गिवन सर्कल्स। बेटा एक चीज और बता दूं, जो किसी सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, ये चीज मैंने शायद बोला नहीं था, चलो किसी सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर? जो पॉइंट से पॉइंट की थोड़ा इसी को क्या बोलते हैं, जो सेंटर से पास करता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये डायमीटर ही लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, इससे बड़ी कोई कॉर्ड नहीं होती सर्कल yes. में, ठीक है? तो आपने कहा सर, इन्होंने क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द गिवन सर्कल्स। इन्होंने डायमीटर ना आस्क करके ऐसे दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल डायमीटर ही तो है, यानी डायमीटर निकालना है। इट मीन्स यहाँ पे क्या निकालना है? डायमीटर। डायमीटर गिवन क्या है? रेडियस। जैसे ऊपर गिवन क्या है? रेडियस। सेम एज क्वेश्चन नंबर K1 K2, जैसे आपने K2 किया सेम एज यहां पे भी करना। ओके यस सर। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाँ पॉइंट नंबर K4। बेटा सारे पॉइंट क्लियर कराए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? टाइम ओवर हो रहा है Yes, तो आप देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा 2 मिनट्स हैं लेफ्ट, चलिए उसमें कर लेते हैं। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है क्या? क्या रेडियस कॉर्ड हो जाता है सर्कल का? इन्होंने कहा है सर्कल कॉर्ड, क्या ये रेडियस जो होता है ये कॉर्ड भी होता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? Is it true or false? ये बात सही है सर, ये ऐसा कभी नहीं हमने बताया था कि जो रेडियस हो कॉर्ड हो जाता है। सर कॉर्ड होता तभी yes. ये दो पॉइंट्स को जॉइन कराता हो, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को जॉइन करता हो तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो सर ये कहा सर्कल पे दो पॉइंट को जॉइन कर रहा है रेडियस? तो ये तो फॉल्स है, ये इनकी बात गलत है, तो फॉल्स राइट कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या ये करेक्ट है? इन्होंने कहा यस बेटा, अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज आल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस सर, ये सही है। यस ट्रू। सो दिस इज ट्रू। इट इज ट्रू। ओके ये ट्रू है सर। यस सर, यहां पे ट्रू राइट कर। इस तरह से आप पॉइंट को क्लियर करेंगे और
अब मेरी बात सुनिए, पॉइंट नंबर के फोर आप लोग ट्राई करेंगे, के फाइव में क्या करना है वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें इन्होंने कहा आइडेंटिफाई रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेगमेंट, एन आर्क इन द गिवन सर्कल, सारे पॉइंट मैंने क्लियर कराए हैं। चाहे वो बात कर लो रेडियस की, चाहे बात कर लो सेगमेंट की, डायमीटर की, आर्क की, कॉर्ड की, सारे मैंने क्लियर कराए हैं, आप लोग आइडेंटिफाई करना। ओके, इन दैट से बेटा जो भी इसे फर्दर पॉइंट्स भी होंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अभी फर्दर हैं उनको आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर करा दिए हैं। इससे ट्राई कीजिएगा, अगर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके ओके सर, यस सर, यह क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय सर, बाय।